जा रही हूँ आज आरुष को अभी छोड़ने मॉर्निंग में, और टाइम हो गया आरुष का। मैं आज आरुष को टिफ़िन में दी हूँ आलू पराठे, वो बहुत खुश होता आलू पराठे से, और मुझे लगा शायद टेस्ट चेंज होगा। तो ये आरुष तैयार हो रहा है, और ये तैयार हो गया है, वो अपना बॉटल रख रहा है, लंच बॉक्स रख रहा है, थोड़ा सा पतला हो गया है। और यहाँ मैंने लैपटॉप में आरुष का फेवरेट गाना लगा दिया है उसने, तो अभी यहाँ पे प्रणाम कर लेगा और फिर हम निकल जाएंगे। तो फिर हम यूजुअली क्या करते हैं, 7:15 ऐसे निकलते हैं, 8 बजे से क्लास होता है आरुष का स्टार्ट, तो 7:15 तक हम निकल जाते हैं। मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि ऐसे ग्लास के जो विंडोज़ होते हैं इसमें एक प्लास्टिक सीट लगा के सेलो टेप लगा देना, क्योंकि जब सीमेंट गिरता है ना तो कितना दिक्कत होता है उसे क्लीन करने में, कोई मुझसे पूछे। मेरे जो इंडिया में जो मैं जहाँ रहती थी जिस सोसाइटी में, वहाँ ज़्यादातर मुझे ये प्रॉब्लम होता था। और ये जो गार्ड आप देख रहे हैं ऊपर, कि इसलिए लगा हुआ है कि कुछ भी ऊपर से अगर गिर रहा है काम करते टाइम, तो नीचे से जो जा रहे हैं उनके ऊपर ना गिरे। उसको छोड़ दी और उसे ड्रॉप करके तब मैं रिटर्न जा रही हूँ घर। ये पीछे का व्यू है। और टाइमली आने से क्या होता है, एक चीज़ अच्छा क्या कि आप टाइमली पहुँच जाते हैं, कोई टेंशन नहीं रहता, जल्दी जल्दी नहीं चलना पड़ता। तो ये सब चीज़ें अभी मैं अनिल को जगाती तो अनिल सो रहा था और मैं सुबह उठ चुकी हूँ, तो मैं प्रेफर करती हूँ ना कि मैं ही, अगर मुझसे काम हो जा रहा है तो मैं ही आरुष को छोड़ दूँ, अगर ज़्यादा काम घर में नहीं है तो इसलिए मैं ही आरुष को मॉर्निंग में और इवनिंग में, दोनों टाइम में मैं ही आजकल छोड़ना ले आना करती हूँ। कभी कभी बहुत वीकनेस लगता है तब मैं अनिल को बोलती हूँ, क्योंकि मुझे ना बस में थोड़ा सफोकेशन होता है। वैसे तो आरुष को बोला हुआ है कि अगर किसी दिन नहीं होता है तो वो बस में आ जाता है, उसे बोल दी हूँ मैं कि नहीं होगा तो तुम बस में आ जाना, मैं कॉल कर दूँगी स्कूल में। तो इस तरह से तो मॉर्निंग का व्यू है। तो सुबह सुबह हम स्कूल आकर आ जाते हैं और काफ़ी बच्चे अभी आना स्टार्ट किए हैं तो धीरे धीरे आएंगे। अभी मैं आज ये जो सलवार पहनी हूँ ये कॉटसूल का है, और ना मैं ये बहुत पहले मैं ये दिल्ली से ख़रीदी थी और मेरे पास था, तो मैं अभी थोड़ा थोड़ा ठंड बढ़ रहा है तो मैं सोची इसी को पहन लेती हूँ। अगर मैं आपको पीछे गाड़ी दिखाऊँ तो देखिए ये ऊपर एक चर्च है। सुबह बहुत रश होता है, इतने कार्स, फ्रंट कैमरा अगर मैं दिखाऊं तो देखिए इतने कार्स हैं, बहुत सारे कार्स। तो सुबह सुबह काफ़ी, लेकिन मॉर्निंग में मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है और साथ ही ना बहुत वेदर बहुत अच्छा है ना, प्लेजेंट वेदर है कि क्या बोलूँ मैं, मतलब बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा, मुझे बहुत अच्छा लगता है इस टाइम में। मुझे वॉक करना भी अच्छा लगता है और ये जो फीलिंग है सुबह का वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज शाश्वती एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज ट्यूसडे है, मेरे हस्बैंड का आज ऑफिस था, वो ऑफिस चले गए, अनिल भी स्कूल चला गया और मुझे आज थोड़ा काम था तो मैं उन लोगों के साथ ही निकल गई थी। अब जब मैं रिटर्न आई हूँ तो घर का क्या हालत है आप देखिए, किचन तो फिर भी सही है क्योंकि मैं थोड़ा बहुत काम करके गई थी, आपको दिख रहा होगा, देखिए थोड़ा बहुत ये साफ़ सुथरा आपको दिख रहा है, ये साफ़ है, लेकिन बाकी सारे रूम का हालत मैं आपको क्या बताऊँ, इतना बुरा है। ये देखिए ये बेड ऐसे ही पड़ा हुआ है, इधर आरुष का स्टडी टेबल, ये आरुष का रूम है, और ये देखिए ये सारे फैला के, और यहाँ यही नहीं नीचे भी गिरा हुआ है, ऐसे गिरा गुरु के सारे, देखिए ये सब इकट्ठा करके वो सब फेंक फूक के, इनफैक्ट कर्टन्स भी नहीं हटाए, सब ऐसे ही फेंक फूक के गया है। और इस रूम का हालत तो और बुरा है, ये रूम बहुत बुरा हालत है इस रूम का। चाय का एक अलग क्रेविंग सा होता है कि चाय पियो, कुछ नमकीन सा खाओ, उसके बाद फिर काम करने का एनर्जी आता है और फिर मैं काम स्टार्ट करती हूँ। तो मैं अब स्टार्ट करूँगी बेडरूम से और बस मैं, मेरा खाना बनाना बाकी है, किचन का काम हो गया है, बर्तन 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 बर्तन, शायद
बर्तन में बहुत कुछ नहीं है। हाँ, बर्तन भी मैं क्लीन करके गई थी, तो अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, पूरा घर का क्लीनिंग करना, खाना बनाना, क्योंकि आरुष को भी लेने जाना है और टाइम टाइम देखिए टाइम टाइम हो रहा है 1:10, तो 1:10 बज रहा है दोपहर का। आरुष को लेने मुझे 3 बजे निकलना है, मेरे पास 2 घंटे हैं और 2 घंटे में मुझे सारा काम करना है। तो मैं बाहर क्यों गई थी, वो एक बहुत दिनों से मैं वेट कर रही थी उसका, और आज उसका कॉल आया था। और मैं, ये एक सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए, आप लोग गेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि क्या हो सकता है। पर मैं आपको किसी और, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ब्लॉग में, या फिर शायद नेक्स्ट ब्लॉग में ही, किसी ब्लॉग में, नेक्स्ट किसी भी ब्लॉग में मैं बता दूंगी कि ये क्या था। ये एक सरप्राइज़ है जो मैं किसी को नहीं बताई हूँ, और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या हो सकता है ये, ठीक है, आप लोग गेस कीजिए। और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, और करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ कि कितना क्लीन किया मैंने 2 घंटे में घर को और क्या क्या बनाया। मैं स्टार्ट कर दी अपना काम, और ये जो काम आपको दिखेगा कि अभी मैं 3 to 4 मिनट्स में सारा काम फटाफट से कर ली, कि एक्चुअली में मुझे करने में 45 to 50 मिनट्स लगा दोनों रूम का क्लीनिंग। मतलब काश लाइफ ऐसे ही फास्ट फॉरवर्ड करके होता, मुझे कभी कभी देख के ऐसा लगता है कि काश मैं ऐसा कर सकती तो कितना, मतलब 5 मिनट में मैं सारा काम हमारा कंप्लीट हो जाता। तो अब ये जो आप इतने बुक्स कॉपी देख रहे हैं, इतना इसको ज़रूरत नहीं पड़ता आरुष को। आरुष मतलब अपना खाना वाना खा के थोड़ा देर रेस्ट लेने के बाद पढ़ने बैठता है, और उसके कबर्ड में जितने बुक्स, जितने नोटबुक्स, पेन, फाइल्स, जो भी होता है सब उसे निकालना होता है। कितना भी मना कर लो नहीं, उसे सब का ज़रूरत पड़ता है। तो फिर सुबह उठ के वो सबको फिर से मैं डालती हूँ अंदर कबट में फिर, और फिर वो निकालता है। एक तो यहाँ कबट इतने छोटे छोटे होते हैं कि आप मतलब अच्छे से रख भी नहीं सकते, कि आपको जो बुक का ज़रूरत है आप बस उसे निकालो। ये सॉक्स करती हूँ मैं, ऐसे सॉक्स को ना पेयर में रखती हूँ, इससे क्या होता है कि आपको मतलब इधर उधर नहीं होता, सॉक्स दो दो करके रख दो पेयर में, तो फोल्ड कर देती हूँ। अब ये देखिए इसका बुक्स, नोटबुक्स, सब कुछ। अच्छा हाँ, यहाँ पे जो पढ़ाई होता है ना यूके का, यहाँ पे स्कूल से होमवर्क देते हैं, तो ये होमवर्क ऐसा मतलब बुक कॉपी में होमवर्क नहीं होता है, ये मतलब रिटर्न में कुछ नहीं करना होता है। इनका जो होमवर्क होता है ये ऑनलाइन होता है, मिस्टर स्पार्क्स करके होता है, उसमें आता है और वहीं होमवर्क करना पड़ता है। मैं ये दूसरे रूम में आ गई, तो उसमें कुछ वीकली आता है या 3 दिन में 4 दिन में ऐसा होमवर्क मिलता है, और उसे कंप्लीट करना पड़ता है विद इन टाइम। आपको एक टाइम लिमिट भी रहता है, उसी टाइम में आपको कंप्लीट करना होता है। और कुछ सेकंड्स पर मैथ्स में कुछ सेकंड्स देते हैं, जैसे कि 30 सेकंड्स, कुछ 20 सेकंड्स ऐसे होते हैं। और उसमें दो तरह के मैथ्स होते हैं, एक कैलकुलेटिंग और एक मतलब नॉर्मल मैथ्स। तो कैलकुलेटर के साथ एक मैथ्स करना होता है, उसका भी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। पहले पहले आरुष आया था तो आरुष को कैलकुलेटर यूज़ करना नहीं आता था, क्योंकि इंडिया में स्मार्ट कैलकुलेटर, जो एडवांस कैलकुलेटर है, वो नहीं यूज़ करना सिखाते हैं स्कूल में। तो यहाँ आरुष को आके थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, अभी तो आ गया है, तो उसका भी मैं प्रैक्टिस उसे कैलकुलेटर के साथ ही कराती हूँ। तो ये मैं इसके साथ ही काम के साथ साथ ही मैं किचन का भी काम कर रही हूँ। इसके बाद मुझे आरुष को लेने जाना है, और काम हुआ रहता है ना, तो फिर आपका क्या होता है कि बहुत इजी हो जाता है। रात का डिनर नहीं हुआ उसका प्रिपरेशन, बस लंच बना था, आरुष आ गया, वो लंच कर रहा है, और इसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं उसे पढ़ाने बैठाऊँगी, जो भी उसका होमवर्क है वो करवाने और क्या क्या पढ़ाई हुआ वो दिखाने। तो घर पूरा क्लीन हो गया था मेरा, 75 + 128 + 90 = 293, therefore C = 7, 7, 7, 67, 67, 67. फिर कल नई सुबह के साथ एक नए ब्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय फ्रेंड्स।